पिछले दिनों सूर्यनगर सोनकर बस्ती में आगजनी की जो घटना घटी, ईश्वर की कृपा से कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई जनहानि हुई, लेकिन बस्ती के 163 घर और उसमें रहने वालों के सब समाज जल गए। इस घटना ने पूरे शहरवासियों को व्यथित कर दिया। उक्त आगजनी की घटना के बाद भिलाई निगम आयुक्त, महापौर और जिलाधीश ने तत्काल राहत पहुंचाते हुए प्रभावितों को महात्मा गांधी स्कूल में शरण दिलाई तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी खाने पीने की सामग्री सहित जीवनोपयोगी वस्तुओं को उपलब्ध कराया गया। निगम प्रशासन ने 3 दिन में उनके जले हुए झोपड़ी की जगह टीन शेड का निर्माण कर वाकई सराहनीय कार्य किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश पटेल की अगुवाई में जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने भी सोनकर बस्ती में रहने वाली महिलाओं और युवतियों के लिए साड़ी और सलवार सूट का वितरण किया। सामग्री वितरण में विशेष रूप से जिला महासचिव संतोष ठाकुर, जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सरजीत सिंह घोष, महासचिव वजीउद्दीन सिद्दीकी, सचिव हरिमोहन शर्मा, गोरा निखिल, साबिर अली सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछले दिनों सूर्यनगर भिलाई खटिक बस्ती में जो आग लगी हुई थी, जिससे बहुत ही दर्दनाक घटना घटी और हम सभी लोगों को व्यथित कर गई। इसमें भिलाई नगर निगम ने बहुत ही अच्छा शानदार काम किया। 3 दिन के अंदर इनके रहने की व्यवस्था को फिर से दुरुस्त किया और उसके बाद आज इनको टीन सेट वगैरह दे करके बहुत अच्छा पानी और बिजली की व्यवस्था करके इनका बहुत ही अच्छा उद्धार किया गया है। और इसी तारतम्य में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं आईं, जिन्होंने सामाजिक संस्था आ करके किसी ने राशन बांटा, किसी ने साड़ी बांटी, किसी ने कुछ बर्तन दिए और इस तरह से खाने पीने की व्यवस्था हुई। और टेम्पररी इनको जिस ढंग से महात्मा गांधी स्कूल में ठहराया गया था, उसके बाद जिस ढंग से व्यवस्था की गई, वो कांग्रेस पार्टी और नगर निगम प्रशासन की व्यवस्था को उजागर करता है कि बहुत शानदार ढंग से बहुत अच्छा काम किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश पटेल, जिला अध्यक्ष सरसिज घोष और ये महासचिव हमारे श्री संतोष ठाकुर जी और हमारे महासचिव हरिमोहन शर्मा जी और हमारी टीम ने और वजीउद्दीन सिद्दीकी हमारी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है। आज साड़ी बांटने का काम किया है और यहाँ हम लोगों ने साड़ी बांटा है। एक एक घर में जा करके बाकायदा सिस्टमेटिक वे में जा करके हमने साड़ी दी है और बहुत यहाँ के लोग खुश हैं। और इन्होंने अपनी समस्याएँ बताई हैं कि हमारे रहने की समस्या और पानी की समस्या है अभी, और खाना जो पक नहीं रहा है उसके बारे में बताया गया है। और आने वाले दिनों में कुछ इनको और सामाजिक मदद दी जाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि सब इसमें हेल्प करेंगे। धन्यवाद। मैं दिनेश पटेल, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, प्रदेश संगठन मंत्री।